तो गाइज यहाँ पे जो है आज मेरे पास एक फोन है और देख सकते हैं ये फोन जो है दोस्तों ये आपको रियलमी का है यार। क्या है, हाँ रियलमी का ही फोन है। और इस फोन के अंदर जो है ना दोस्तों देख सकते हैं पावर स्विच नहीं है, ना ही तो इसका जो है नीचे का रखा हुआ है और ना ही पावर स्विच है। और मेरे पास अभी न्यू भी नहीं है तो कस्टमर को भी फिलहाल जल्दी में चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसमें हम एक छोटा सा जो जुगाड़ कहते हैं जिसे हम, क्योंकि भर दिन तो हम लोग जुगाड़ पे ही बहुत सारा फोन जो है रिपेयर करते हैं, उसमें जुगाड़ लगाते हैं, और आज इसमें भी एक जुगाड़ लगाएंगे। देखते हैं क्या ये मेरा जुगाड़ जो है वो सक्सेसफुल रहता है या अनसक्सेसफुल रहता है, वो आज का इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बताते हैं आखिर वो जुगाड़ क्या है और हम कैसे बनाते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं आखिर कैसे बनाते हैं हम एक जुगाड़ पावर बटन, और वो भी जो है दोस्तों कबाड़ वाली चीज से, जो कबाड़ में मेरा फेंका हुआ रहता है उसी से हम ये जुगाड़ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपको दोस्तों करना क्या होगा, एक कबाड़ वाला डिस्प्ले लेना है, कोई सा भी हो, बटन फोन हो, टच फोन हो, एनी वे कोई सा भी फोन हो, उसका डिस्प्ले का जो फ्लैप होता है वो हमें लेना है। और यहाँ पे इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से क्या किया है, कट कर लिया है आपके सामने में किया है। और फिलहाल जो है अभी इसका काम मुझे नहीं है तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको दूसरा चीज क्या चाहिए वो पता है, वो चाहिए आपको एक पावर स्विच जो कि दो पैर में, दो टांग वाला यानी टू लेग वाला चाहिए। और फिर उससे हम कंप्लीट बनाएंगे ऑन ऑफ स्विच। सो दोस्तों यहाँ पे हम ये भी ले लिए हैं, देख सकते हैं टू लेग में। और अगर आपके पास न्यू नहीं है तो ऑल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम ये करते हैं यहाँ पे कि बहुत बार हम पावर स्विच एनीवे मान लीजिए कंप्लीट जो वॉल्यूम पत्ता होता है कस्टमर का चेंज करते हैं डैमेज होने की वजह से। बहुत बार कस्टमर आके डायरेक्ट बोलता है कि भैया ये हमें चेंज कर दीजिए, न्यू लगाइए, उसको रिपेयर मत कीजिए, उनका कहना होता है। तो वो हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो फेंक देते हैं, खास करके मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में, जो हम लोग कबाड़ समझते हैं, जिस चीज को हम लोग कबाड़ समझते हैं ना उसमें भी बहुत कुछ हमें मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको हम फिलहाल यहाँ पे साइड कर लेते हैं जो बॉडी है मेरा। और यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल इसमें डिस्प्ले भी नहीं लगा हुआ है, तो हम डिस्प्ले भी लगाएंगे इसमें अभी जस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले करना क्या होगा, एक साइड हमें स्क्रेच कर लेना होगा। देख लीजिए किस तरह से हम करते, आपके पास ब्लेड हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे जो है ना स्क्रेच सही से हमें करना होगा दोस्तों। ये जुगाड़ है और बहुत दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे जो है ये बेस्ट ट्रिक भी है, क्योंकि अगर मेरे पास स्विच नहीं होता है, सिंगल स्विच नहीं होता है, तो वहां पे फिलहाल हमें दिक्कत तो होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम सोल्ड कर लेते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से कर लेंगे, देख सकते हैं। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया लेकिन कोई नहीं, काम करेगा। उसके बाद जो है दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा स्विच रहा तो स्विच को जो है, देखिए दोस्तों हर बार हम ये नहीं देखेंगे कि मान लीजिए हमें न्यू कंप्लीट स्विच चाहिए तभी बैठाएंगे, क्योंकि बहुत बार अगर सही से आप लोग बैठाते हैं या हम बैठाते हैं तो जुगाड़ भी काम कर जाता है। तो फिलहाल हमें करना क्या होगा, यहाँ पे इसको कंप्लीट इस पे सॉल्व करने से पहले एक और वर्क करना है हमें। यहाँ पे जो है दोस्तों हल्का सा हम ब्लैक पेस्ट डालेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया है। सो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा साफ कर लेना है, कम कर देना है, क्योंकि ज्यादा गिर गया था ब्लैक पेस्ट मेरा। और इसको कुछ अच्छी तरह से यहाँ ये कर देना है, मेल्ट कर देना है यानी बैठा देना है एक तरह से। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हमें एक साइड सोल्डिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से हम सोल्डिंग कर लिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इंतजार करना होगा ताकि ये मेरा कंप्लीट जो है क्या हो, सूख जाए, नीचे स्विच मेरा बैठ जाए।
सो दोस्तों यहाँ पे हल्का सा हमें क्या करना होगा, सूखने देना होगा 2-4-5 मिनट के लिए, ताकि जो है मेरा पेस्ट जो है वो बैठ जाए। बाकी वो बैठ गया एक तरह से, तो अब जो हमें क्या करना होगा वो देखना है आपको। सो गाइज यहाँ पे जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी ग्लू लगाने के बाद जो है ग्लू भी मेरा कंप्लीट सूख चुका है। सो दोस्तों अभी फिलहाल इसको हम थोड़ा सा बड़ा कट कर लिए थे, फिलहाल अभी हम करेंगे क्या, अपने एडजस्टिंग के हिसाब से जो है दोस्तों यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम बीच से थोड़ा सा कट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कट हो चुका है, और उसके बाद जो है इस साइड से भी हमें कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कुछ कट कर लिए हैं, और हल्का सा हमें यहाँ पे वेट करना होगा। सो गाइज यहाँ पे जो है आपको अपने हिसाब से, यानी अपने एडजस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे कट कर लेना है, जैसा कि हम यहाँ पे कट कर चुके हैं, देख लिए हैं दोस्तों। इस तरह से आपको कट कर लेना है, ठीक है। ओ यार, तो इस तरह से आपको भी कट कर लेना है, और उसके बाद जो है दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको जम्पर कर लेना है। तो आपको करना क्या है, जम्पर में जो हम ग्राउंड में यानी जो ये यूज किए हैं फ्लैक्स पत्ता एक तरह से डिस्प्ले का, उसमें जो है यहाँ पे हमें इसको ग्राउंड में लेना है, और यहाँ पे जो है ये मेन जो ऑन ऑफ का स्विच होता है वहाँ पे हमें जम्पर कर देना है। सो गाइज यहाँ पे जो है मेरा जो ऑन ऑफ स्विच है वो कंप्लीट तो हो चुका है, बट अभी हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हल्का सा यहाँ चिपकाना है। तो यहाँ पे जो है हल्का सा हम ग्लू लगा लिए हैं, और ग्लू लगाने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, यानी फैला लेते हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या होगा, कुछ इस तरह से बैठा लेना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ हम बैठा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों अभी हम करेंगे क्या, मार्केट में हीट सिंक टैप मिलता है, उसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ तो हम सोचे थे कुछ और, बट निकल गया कुछ और। यहाँ पे जो है इसका बॉडी भी, जो मेन बैक पैनल है वो भी टूटा हुआ है। बाकी चलिए कोई नहीं, ये तो काम तो करेगा स्विच। अगर मान लीजिए इस पे जो है स्विच रहता तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता, क्योंकि यहाँ पे ये जुगाड़ जो है हम अक्सर लगाते रहते हैं और वर्क करता है। आपके सामने में देख सकते हैं जो कि कम्प्लीट हुआ है। बट अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए और आपके पास स्विच ना होना, तो दोस्तों ये बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम स्विच को डायरेक्ट इस पे बैठाएंगे, तो स्विच को अगर डायरेक्ट बैठाते हैं तो क्या होगा, फोन मेरा शॉर्ट होगा, ठीक
स्विच जो है शॉर्ट होगा बॉडी पे, तो उससे बेटर उपाय है जो कि आपका जो डैमेज डिस्प्ले होता है ना, उसका जो फ्लैक्स होता है, जो केबल होता है ये वाला, उसको आपको जो ग्राउंड वाला होता है ना उसको निकाल करके कट करके रख लीजिए और उसपे मस्त एक साइड से बना दीजिए, जो कि हम आगे आपको दिखाए हुए हैं। बट यहाँ पे काम तो कर रहा है दोस्तों, लेकिन यार यहाँ पे एक इशू रह गया जो कि देखिए वैसे भी वर्क कर रहा है अब हाथ से दबाने पे, और जब कंप्लीट बॉडी इसका मेटल लगा हुआ रहता तो फिर तो उसका मज़ा ही कुछ और था। बाकी चलिए कोई नहीं दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पे हम आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। बाकी कोई फ्रेश इस तरह का फ़ोन आया तो फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, शॉर्टकट वीडियो। बाकी चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें। बाकी कुछ खास तो नहीं बता पाए हैं, इसलिए नहीं बता पाए हैं कि क्योंकि इसका मिडिल जो है टूटा हुआ था। आप लोगों को ऐसा लगता होगा सही से वर्क करे या ना करे, लेकिन दोस्तों ये वर्क तो बिल्कुल प्रॉपर करता है, और इससे पहले बहुत दिनों से ट्राई करते आ रहे हैं। कई भाइयों का कमेंट आ गया है कि मान लीजिए अगर मेरा मेरे पास जो है इसका ऑन ऑफ कंप्लीट पता ना मिले तो हम किस तरह से बनाए, तो इसलिए हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ दूसरे फ़ोन के साथ, कोई इस तरह का फ्रेश फ़ोन, क्योंकि यहाँ पे ये फोल्डर लगाने के लिए आया था, और फोल्डर के लिए जो है मेरा भाई छोटा राहुल है वो काम करता है, तो वो बोला भैया स्विच लगाना है, तो सोचिए यार स्विच लगाएंगे तो मिडिल तो उसका इसका बैक पैनल तो सही होगा, बट ऐसा नहीं था, हम नहीं देखे पहले। और चलिए लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं उम्मीद करता हूँ।